Hey, this is Lisa. इतने सारे लोगों ने मुझसे मैसेजेस और कमेंट्स में पूछा है कि प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज मुझे आपको बताना है कि जेनिटल्स की स्किन बाकी स्किन से डार्क क्यों है और क्यों उसे गोरा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यूबर्टी के दौरान जो हॉर्मोन्स बदलते हैं उसकी वजह से जेनिटल्स और निपल्स डार्कर हो जाते हैं। बट और इनर थाइस की स्किन भी डार्क होना बहुत नॉर्मल है क्योंकि इन एरियाज में बॉडी के मूवमेंट की वजह से बहुत फ्रिक्शन होता है। एडल्टहुड में भी नेचुरल एजिंग प्रोसेस के हॉर्मोनल चेंजेस के वजह से और प्रेगनेंसी के टाइम भी जेनिटल्स की स्किन डार्क हो सकती है। एक और बात, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जेनिटल्स का कलर टेम्पररीली थोड़ा डार्कर होना भी नॉर्मल है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप सेक्सुअली अराउज्ड हो तो ब्लड जेनिटल्स की तरफ फ्लो होने लगता है। काइंड ऑफ द सेम वे योर चीक्स टर्न अ मोर इंटेंस कलर व्हेन यू आर ब्लशिंग। जब कोई मुझे पूछे क्या उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स को ब्लीच कराने चाहिए तो मेरी एडवाइस है बिल्कुल नहीं। उससे इरिटेशन हो सकती है और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बॉडी के बाकी हिस्सों की स्किन से जेनिटल्स और जेनिटल्स के आसपास की स्किन का डार्क होना नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कोई पेन या इचीनेस नहीं महसूस हो रही है या स्किन के कलर में कोई सडन चेंज नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। जनरली वहां की स्किन थोड़ी डार्क ही होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बट व्हेन आई टेल पीपल दिस दे ऑफन आस्क मी कि तो फिर पॉर्न में या मैगजीन्स में हम जो बॉडीज देखते हैं उसमें ये हमें क्यों नहीं दिखता। फोटो एडिटिंग एप्स और मेकअप किसी भी चीज को कुछ भी बना सकता है और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए जब आजकल कुछ भी देखे, कोई भी फोटो कोई भी वीडियो। ऑल्सो प्लास्टिक सर्जरी, लेजर हेयर रिमूवल और स्किन लाइटनिंग से लेकर एनल ब्लीचिंग तक बहुत सेलिब्रिटीज और एडल्ट परफॉर्मर्स इन चीजों पे अपना काफी टाइम और पैसा स्पेंड करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर बॉडीज लुक अ सर्टेन वे क्योंकि उनके इनकम उस पे डिपेंड करती है। और तो और द मेजोरिटी ऑफ पॉर्न परफॉर्मर्स आर व्हाइट। People of color naturally have darker skin and that would translate to the skin on the genitals as well and there's absolutely nothing wrong with that. Koi kisi se behtar ya koi kisi se badtar nahi hai. It just is how it is. In sare reasons ki wajah se mainstream porn rarely ek accurate reference point hota hai for what people's bodies can look like. Har insaan ka body alag hota hai. There's a lot of variation from person to person even in terms of what the external genitalia can look like. कोई एक रंग या एक साइज या एक शेप नहीं है। प्यूबिक रीजन के लाइटनिंग का कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। ये सिर्फ एक चॉइस है विच सम पीपल मेक बिकॉज दे विश टू और मे फील प्रेशर्ड टू लुक अ सर्टेन वे। लेकिन ये प्रोसीजर जरूरी बिल्कुल नहीं है और चांसेस है कि इससे आपकी स्किन को इरिटेशन या पेन होगा। सो माई एडवाइस इज प्लीज डोंट ब्लीच योर प्राइवेट पार्ट्स। वी हैव गॉट टू स्टॉप ग्लोरिफाइंग फेयरनेस ऑन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। It really shouldn't matter what your skin color is and fair does not equal better. I hope ki aapko ye video acha laga. Please give it a big thumbs up if you did. Don't forget to share it, leave me a comment, subscribe to my channel aur mujhe Instagram pe bhi follow kare. I will see you soon. Bye.